So my name is Akshay Dhanjan and I'm going to deal with NCERT chapter 1 matter around us ka pehla question in-text question hai. To dekhiye, which of the following are matter? Matter kya hota hai? Matlab matter kya hota kya hai? To mass plus volume is equals to matter. Bas itna hi hai. Aur in sab ko ye jo pure question hai, in sab ko hum isi ke aadhar pe puri tarah se matter bana denge. Dekhiyega kaise. Ab chair dekhte hain. To chair mein mass hota hai. ऑफ कोर्स होता है, मतलब उसका वेट बस, और वॉल्यूम होता ही है, और वो स्पेस भी लेता है, सबसे बड़ी बात यही है. फिर ये लेता है, तो अब हम लोग करते हैं इसको टिक. फिर एयर, एयर लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल लेता है, मास भी होता है वॉल्यूम भी होता है उसका, तो वो भी होगा मैटर. लव, अब लव के बारे में क्या बोले? लव है बिल्कुल नहीं है लव. अब लव के बारे में आप भी मत सोचिए, अभी पहले ये एग्जाम क्लियर कर लीजिए, फाइनल एग्जाम से. तो लव बिल्कुल नहीं होता है इसमें, ये एक फीलिंग है, मास भी नहीं होता है वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो इसको हटाइए. स्मेल में आते हैं, स्मेल नहीं होता है क्योंकि उसमें मास भी नहीं होता है वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो उसको कभी भी मतलब कि आप मत सोचिएगा, वो एक फीलिंग है. हेट सबसे मिलता है, खासकर लड़कियों से बहुत मिलता है. चलिए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये भी नहीं होगा. फिर अब बात करते हैं आलमंड्स से. तो आलमंड्स मतलब जो इसमें मास भी होता है वॉल्यूम भी होता है, तो ये मैटर हो गया. इस ये जगह भी स्पाइस करेगा, थोड़ा सा जगह लेगा लेकिन बहुत मतलब उतना काफ़ी है हमारा मैटर उसको प्रूफ करने के लिए. तो ये हो जाएगा. अब बात करते हैं थॉट्स. थॉट्स मतलब सोचना, ये एक फीलिंग है, ये कोई भी मास नहीं लेता है, वॉल्यूम नहीं लेता है, स्पेस नहीं लेता है, तो इसको तो बिल्कुल मत लीजिएगा. कोल्ड, कोल्ड भी एक फीलिंग है, जब आपको ठंडी लगेगी तब आपको मतलब कोल्ड फील होता है, तो इसमें मास भी नहीं होता है वॉल्यूम भी नहीं होता, ये भी मैटर नहीं हो सकता है. लेमन, अब लेमन में बात की जाए तो मास होता है इसका, स्पेस लेता है ये, और वॉल्यूम भी होता है, तो ये भी मैटर हो सकता है. हो क्या है ये मैटर? चलिए इसको भी करते हैं. अब बात करते हैं वाटर की, ये भी मास लेता है वॉल्यूम लेता है, मास, हाँ मास और वॉल्यूम दोनों लेता है, तो ये भी हो गया आपका मैटर. अब बात करते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम. ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सबको बहुत प्रॉब्लम होता है इसके बारे में. मैं बता दूं कि इसको अगर सही से समझना है तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वो है परफ्यूम. परफ्यूम का यहाँ पे है भी, तो परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो तो मतलब जो पार्टिकल्स निकलता है, वही है इस क्वेश्चन का आंसर. जो पार्टिकल्स निकलता है उसमें मास होता है वॉल्यूम भी है, बस वही हो गया मैटर. अब ये खत्म हो गया, अब हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू. क्या लेता लेता क्या